Kusha. मेरे रास्ते में रुकावट डालने वाली चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, मैं उसे जल से उखाड़ दूंगा। महामंत्री शक्ताल, अब मैं केवल शक्ताल हूं चाणक्य, महामंत्री नहीं। आपकी ये दशा नंग है। इस अपराध में हमने उसे सुरा सुंदरी का दास बनने से बचाना चाहा। ये तो राजद्रोह नहीं, उपकार है। नंग की नजरों में यही राजद्रोह है। शायद उसका विनाश आया है। आज सारे देश पर विनाश के बादल छा रहे हैं चाणक। नंद में ऐसे विनाश को रोकने की शक्ति कहां? नंद के सौतेले भाई चंद्रगुप्त में, लेकिन उसे देश से निकाल दिया गया। किसी ने ऐसे अन्याय का विरोध नहीं किया? विरोध का ही अंजाम यह मेरी जिंदा लाश है। आप पर बड़ा अन्याय हुआ है महामात्य। न्याय के लिए बड़े से बड़े बलिदान देने पड़ते हैं। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। अब मैं अपनी इच्छाएं तुम्हें सौंप कर चैन से मर सकूंगा। प्राणों की बाजी लगाकर भी मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। इसी विश्वास के भरोसे कारागार से भागकर सीधे तुम्हारे पास आया हूं। मेरे लिए क्या आदेश है महामात्य? नंद विलासी है चाणक्य। विलासी राजा के हाथ में प्रजा और देश का भविष्य सुरक्षित नहीं रह सकता। प्रजा और देश की भलाई के लिए तुम्हें नंद से सत्ता छीननी होगी। बोलो, बोलो मेरी इच्छा पूरी कर सकोगे चाणक्य? मैं वचन देता हूं महामात्य, देश के लिए जीऊंगा और देश के लिए मरूंगा। चाणक्य, मर रहा हूं महामात्य। महामात्य विलासी नंद। छुप जाए मेरे
कहीं हाय, कहीं हाय, जमाना कहीं हाय। महाराज की जय हो। द्वारपालों के रहते हुए यहाँ तक आने की तुम आवश्यकता से अधिक बढ़कर बातें कर रहे हो। मैं तुम लोगों की तरह स्वार्थी नहीं। महाराज, महाराज इस आदमी से कहिए हमसे क्षमा मांगे। महाराज नंद को अपमान का ध्यान कहाँ, जिसने तुम जैसे पिट्ठुओं के भड़काने से चंद्रगुप्त जैसे बहादुर और बुद्धिशाली भाई को राज्य से बाहर निकाल दिया। महामंत्री शक्ताल के पुत्रों को भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर कारागार में मार डाला। जिस सौतेली माँ मूरा का दूध पिया उसे दासी बनाकर आधी रात को दर दर की ठोकरें खाने के लिए महल से बाहर निकाल दिया। चारट इन चापलूसों से सावधान हो जाओ महाराज, नहीं तो प्रजा के असंतोष की दबी हुई आग एक दिन ज्वालामुखी बनकर उठेगी। चुप रहो भिखारी। दादा पर दादा इन्हीं भिखारियों के चरण चूमते रहे हैं नन, अब तेरा सर मेरे चरण चूमेगा। उड़ा दो इसका सर का त्याग। महाराज सत्य महापाप वाचाल, इसकी चोटी पकड़कर यहां से निकाल दो। दूर रहो मलेच्छो, इन मुट्ठी भर हड्डियों में प्रलय को बांध रखने की शक्ति है। नंद तूने मेरी चोटी को नहीं नागिन को छेड़ा है, अब तेरे खून में भिगो कर ही इसे बांधूंगा। मेरे साथियों, गुलामी की 100 साल की जिंदगी से आजादी की एक घड़ी 1000 गुना अच्छी है। मुट्ठी भर विदेशी हमारे देश पर हुकूमत करें, ये बड़े शर्म की बात है। देश के कुछ गद्दारों ने विदेशियों के हौसले बढ़ा दिए राजकुमार। हम उन्हें भी कुचल देंगे, दिल में लगन होनी चाहिए, आदमी चंद्रलोक पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। हम बिजली की तरह विदेशियों पर टूट पड़ेंगे, दुश्मनों के खून से होली खेलेंगे, मौत के दूत बनकर उनकी गर्दनों पर सवार हो जाएंगे। आशीर्वाद दो मां। चंद्र, इस मिट्टी की दाज रखना। विश्व विजय का सपना देखने वाले सिकंदर को भारतीय तलवार का पानी दिखा देना, उसके अहंकार को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दे। ऐसा ही होगा, हम मर मिटेंगे लेकिन देश की आजादी को नहीं मरने देंगे। आजादी पर मर मिटने वाले नौजवानों, हम शत्रु पर इसी समय हमला करेंगे और उसका नाम निशान मिटा देंगे। असंभव। देश में भीतरी शत्रुओं के रहते हुए तुम विदेशी शत्रुओं को नहीं मिटा सकते। आपका मतलब? नंद, पहले उसे मिटाना होगा और उसे मिटाने के लिए तुम्हें यूनानी युद्ध विद्या के तरीके सीखने होंगे। विजयी भाव। Ah!
रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ कछुआती, रुक जाओ कछुआती, रुक जाओ, हेलन कहती है रुक जाओ, रुक जाओ कछुआती। लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। खुदा के इस बंदी का भी शुक्रिया अदा कीजिए अब्बा हुजूर। नौजवान, हम तुमसे बहुत खुश हुए। कौन हो तुम? एक हिंदुस्तानी। जो चाहो मांग सकते हो। वचन भंग तो न कीजिएगा। वादा खिलाफी को हम मौत से बदतर समझते हैं। यकीन रखो, सालार आदम सदू का तुम्हें मायूस नहीं करेगा। कहो क्या चाहते हो। मैं आपका शिष्य बनकर लड़ाई के यूनानी तरीके सीखना चाहता हूँ। यूनानी तरीके? ये नामुमकिन है, नामुमकिन। क्यों, कलेजा दहल गया? हम हिंदुस्तानी तो अपना वचन पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। अब्बा हुजूर, आप एक हिंदुस्तानी के सामने यूनान की शान पर धब्बा लगा रहे हैं। बेटी, मैं अपने बादशाह के साथ कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? हिंदुस्तान को यूनान की तबाही का हुनर कैसे सिखा सकता हूँ? विश्वास रखिए, यूनानियों की तरह हम हिंदुस्तानी यूनान को लूटने नहीं जाएंगे। ये कुछ और बात है। आज इस बात का अनुभव जरूर हुआ कि यूनानी बात के पक्के नहीं होते। अब्बा हुजूर, चंद्रगुप्त ठहरो, ठहरो। शाबाश चंद्रगुप्त, शाबाश। हम तुम्हें लड़ाई के यूनानी तरीके जरूर सिखाएंगे। शाबाश। Thank you.
शाबाश चंद्रगुप्त। मैंने सिखाने में देर की, तुमने सीखने में देर नहीं लगाई। अब हिंदुस्तान यूनान का और यूनान हिंदुस्तान का शागिर्द बन गया। लेकिन यूनान ने हिंदुस्तान से कुछ नहीं सीखा। धीरे धीरे यूनान सब कुछ सीख लेगा। उस दिन हिंदुस्तान और यूनान एक दूसरे के लिए गैर न होंगे। वो भी दिन आएगा चंद्र, जब हम एक होंगे, हमारे दिल एक होंगे, हमारी जिंदगी एक होगी। अभी तो लड़ाई का एक और तरीका सीखना है चंद्रगुप्त, जो इन सबसे अलग है। आओ मेरे साथ। ये है मैदाने जंग। लड़ाई भी एक किस्म का जुआ है चंद्रगुप्त, दुश्मन को हराने के लिए झूठ, धोखा, फरेब सब तरीके अमल में लाने पड़ते हैं। ये कायरों का काम है। फतेह महज ताकत से हासिल नहीं की जाती। धोखे की विजय को हम हिंदुस्तानी हार से बुरी समझते हैं, इसीलिए विदेशियों से हार जाते हैं। ठीक कहते हैं आप, विदेशी हिंदुस्तानियों से बहादुर नहीं बल्कि धोखेबाज होते हैं। चंद्रगुप्त, हम कमजोर को क्षमा, बलवान दुश्मन की तलवार से प्यार करते हैं। मुझे तरीका नहीं सीखना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। शहजादी, क्या है? हिंदी गोनस, बिना इजाजत यहाँ क्यों आए? मदहोशी ने कदम गुमराह कर दिए। लौट जाओ वहीं से। अगर मैं इनकार कर दूं तो? तुम्हें होश में लाने के लिए मुझे इंतजाम करना होगा। इस तकलीफ से बेहतर है कि अपनी मुस्कुराहट का एक जाम पिला दो हेलेना। मेरी मुस्कुराहट का जाम तुम जैसे एक जारज को? बार बार ये तौहीन, इसका अंजाम किसी दिन बहुत बुरा होगा हेलेना। कौन हो तुम? मैं गुरुदेव से मिलने आया। कोई खास काम है? मैंने लड़ाई के कुछ तरीके लिखे। वाह, यूनानी मोर्चा बंदी के तरीके आपने हिंदुस्तानी बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है। अगर इसे शाह सिकंदर को पढ़कर सुनाया जाए तो वो भी आपकी काबिलियत की दाद देंगे। आप जरूर से ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं। गुरुदेव कहाँ है? वो शाह सिकंदर से मिलने गए हैं। इस वक्त? जी हाँ। माफ कीजिए, मैं फिर किसी वक्त आऊंगा। ठहरिए, फिर मिलेंगे। चंद्र, सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं, मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। समझदार, वरना सबके सर जमीन पर लड़ते हुए नजर आएंगे। वैसे जहां कहो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। नहीं सलूकस, नहीं। सिकंदर के फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मुझे खून खराबे की और ज्यादा तमन्ना नहीं रही, और बोरस की जंग ने हमें सिखा दिया है कि हिंदुस्तान का फतेह करना कोई आसान नहीं। लेकिन आलमपना ने उस्ताद अरस्तु के सामने हिंदुस्तान को फतेह करने का अहद किया था। देवताओं के इस खूबसूरत मुल्क को हम वीरान करना नहीं चाहते। नामुराद लौटने पर तवारीख का एक एक वर्क हम पर बुजदिली का इल्जाम लगाएगा आलमपना। तवारीख लिखने वाले बजात खुद बहादुर नहीं होते आलमपना। हमारे सिपाहियों का हौसला टूट गया है सलूकस। वो
वो मादर वतन यूनान जाने के लिए बेताब हो रहे हैं। शहनशाह आजम, शाही यूनान के हुजूर में बंदा सर झुकाता है। कौन है ये? ये दुश्मनों का जासूस मालूम होता है आलमपना। जासूस कौन हो तुम? चंद्रगुप्त। क्या लिखा है? न बताऊं तो? सिकंदर पूछ। जानता हूं। नौजवान, हम तुम्हारा सर उड़ाने का हुक्म दे इससे पहले तहरीर का राज जानना चाहते। सर कटने के डर से नहीं, आपकी परेशानी का ध्यान करते हुए बता रहा हूं कि इस पर लड़ाई के यूनानी तरीके लिखे हैं। यूनानी तरीके किसने सिखाए? मैंने अपने आप सीखा है, इस शर्त पर बतलाऊंगा कि मेरे उस्ताद पर कोई आंच। हम तुम्हारी शर्त मंजूर करते हैं। हम शाह सिकंदर के हर शब्द को वादा समझते हैं। मैं इसका उस्ताद हूं आलमपना। सेल्यूकस, तू और बादशाह को धोखा दिया है। एंटीगोनस, तुम्हें आलमपना के सामने इस तरह बदतमीजी से पेश आने से पहले ख्याल होना चाहिए कि मैं सिपा सालार आजम हूँ और तुम एक जरा छो। एंटीगोनस, तुमने औकात से बढ़कर गुस्ताखी की है। लफ्ज जारज ने मुझे बेकाबू कर दिया था आलमपना। मां बदौलत सख्ती से पेश आए, इससे पहले दफा हो जाओ। सेलुकस, आलमपना, तुमने भी बहुत बड़ा जुर्म किया है। माफी का तलबगार हूं आका। चंद्रगुप्त, तुमने हमारे ही सामने यूनानी सिपासालार पर हाथ उठाया। मुझे नहीं मालूम था कि यूनानी इतने असभ्य होते हैं। चुप रहो जबान दराज, तुमने यूनानियों के जाति मामलात में दखल अंदाजी की है। दूसरों के झगड़े शांति से निपटा देना भारतीय नीति है। और धोखे से दूसरों का हुनर सीखना भी शायद भारतीय नीति है। भारतवासी धोखा देना नहीं जानते। इस देश में दरवाजों पर ताले नहीं लगाए जाते, यहाँ के बाजारों में गुलाम नहीं बिकते। देवताओं के देश में आधी रात के समय सोए हुए भारतवासियों पर एक तूफान का सहारा लेकर बुज सिकंदर ने धोखे से हमला किया था। गिरफ्तार करने से संसार को जीतने का स्वप्न देखने वाला सिकंदर इतना बुजदिल है, ये मुझे आज ही मालूम हुआ। शाह सिकंदर, मैं चंद्रगुप्त हूं। आज इस तलवार का जौहर देख लो और कल ही यूनान लौट जाने का फैसला करोगे। उठाओ और दिखाओ अपनी तलवार का जौहर। नियतों पर हम हथियार नहीं उठाते। शाबाश, हम इस दिलेरी की कद्र करते हैं। हमारी पेशीन गोई है चंद्रगुप्त कि एक दिन तुम सारे हिंदुस्तान के सम्राट बनोगे। महान सिकंदर की भविष्यवाणी को मैं सच करके दिखाऊंगा। आमीन। तुम आजाद हो चंद्रगुप्त। जिस मुल्क में चंद्रगुप्त जैसे बहादुर हो, उस मुल्क को फतेह करने का ख्याल महज नादान।
ज्यादा कमी आई। किस बात के लिए? उस बार आपने मुझे पागल हाथी से बचाया था और आज एंटीगोनस के बाद से अब्बा की जान बचाई। वो मैंने गुरु सेवा का फर्ज अदा किया, वरना बचाने वाला तो कोई और। मैं आपको क्या समझू, ज्यादा से ज्यादा एक मददगार। मददगार साथी नहीं, मेरा और आपका साथ नहीं। क्योंकि आप एक यूनानी हैं और मैं एक हिंदुस्तानी। यूनानी और हिंदुस्तानी में कोई जिस्मानी फर्क है? नहीं, ईमानी फर्क है। यूनानी हिंदुस्तानियों को लूटने आए। लेकिन चंद्र, आज हेलेन अपने आप को तुम्हारे कदमों में निछावर करने आई है। हेलेन, दिल जवां प्यार भरा है देखो ये जहां। मैं घटा हूँ तू है आसमां, झूम झूम के आई बहार। ये समा है मेरा दिल जवां प्यार भरा है देखो ये जहां। मैं घटा हूँ तू है आसमां, झूम झूम के आई बहार। ये समा है मेरा दिल जवा। बादल से बरसे नशा थमे लगी बेखुदी, जाने हमें किस जगह लेके चली जिंदगी। चलते चले हम मौज करें हम मतवाले, चलते चले हम कोई नहीं हम मौज उड़ाए। ये समा है मेरा दिल जवां प्यार भरा है देखो ये जहां। मैं घटा हूँ तू है आसमां, झूम झूम के आई बहार। समा है मेरा दिल जवां प्यार भरा है देखो ये जहां। मैं घटा हूँ तू है आसमां, झूम झूम के आई बहार। आप क्या चाहते हैं? तुम्हें अनमोल भेंट देना चाहता हूं पर्वतराज, ये लो। ये लकड़ी? ये लकड़ी नहीं, रहस्य। देश के कई राजाओं से मिला, दुख है इस रहस्य को किसी ने नहीं समझा। मैं भी कुछ नहीं समझा। इस लकड़ी को तोड़ दो, समझ जाओगे। समझे? नहीं। अच्छा, ये लो, इन्हें तोड़ दो। ये नहीं टूटती। नहीं टूटेंगी, कई लकड़ियां एक साथ जो मिल गईं।
अब आया रहस्य समझ में? नहीं पर्वतराज, हम छोटी छोटी शक्तियां इन लकड़ियों की तरह एक साथ मिलकर महान शक्ति बन सकते हैं, भारत के भीतरी और बाहरी शत्रुओं का दमन कर सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, हमें सबको साथ देना चाहिए। मेरा साथ दोगे पर्वतराज? आपका साथ? चाणक्य अपने लिए नहीं, देश की स्वतंत्रता के लिए मांग रहा है। हम आपके साथ हैं, हम वचन देते हैं। तो हमारी विजय निश्चित। वत्स चंद्रगुप्त, हमने मगध पर चढ़ाई की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी मदद के लिए कई मित्र तैयार भी हो गए हैं। पत्र देखते ही पर्वतराज के यहाँ आकर मुझसे मिलो। Thank you.
पूछा क्यों? इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? सहाड़ी नदी की इस चंचल को जो ना रुकना जानती है और ना झुकना। जी भर के देख लिया ना, आप चलते बना? नहीं तो नहीं तो अपनी बुद्धि पर विश्वास रखता है। हमें भी अपनी शक्ति पर भरोसा है। शक्ति और बुद्धि के इस मिलन से सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। हथेली पर प्राण रखकर हम गुरुदेव की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक सातवें दिन मगध पर आक्रमण करना होगा। विजय मिली तो चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा यश, वो तो ईश्वर ने दिया। लोभियों को यश नहीं मिलता, तुम्हें चाहिए सुरा, सुंदरी, वैभव, धन, जो तुम्हें चाणक्य देगा। कब? पूर्ण विजय के बाद। और प्रतिज्ञा पत्र भी आक्रमण से पहले मिल जाए। नंद के पास बहुत बड़ी सेना है गुरुदेव। पहाड़ को एक चिंगारी भस्म कर देती है मलय केतु। छाया भैया, अचानक तीर हाथ से छूट गया, मुझसे बड़े भूल हुई थी। यही है राजकुमार चंद्रगुप्त। राजकुमार चंद्रगुप्त तो प्रणाम। केवल प्रणाम से काम नहीं चलेगा छाया, सेवा के लिए भी तैयार हूँ गुरुदेव। सेवा का रास्ता बड़ा कठिन है, आजमा लीजिए। प्राण भी देने पड़ेंगे। हंस कर दूंगी। इस उपकार के बदले में क्या चाहोगी? तूफान के आसार नजर आते हैं। Yeah!
एंटीगोनस, बचाओ अपने बादशाह को। सालोरी आदम, सिकंदर आजम का इंतकाल। शाह सिकंदर का इंतकाल? हाँ, सिकंदर ने दुनिया को फतेह किया, लेकिन वो मौत पर फतेह ना पा सका। एंटीगोनस, यूनानी लश्कर में मनादी करा दो कि 7 रोज तक सिकंदर आजम की मौत का शोक मनाए। बेटी, अब तुम शहजादी हेलन हो। यानी जो मैं कल थी वो आज नहीं। वक्त का भी अजीब करिश्मा होता है, एक होता है दूसरा पाता है। सिकंदर आजम की इस विरासत को मैं जिंदगी से ज्यादा कीमती समझूंगा। एक दिन हिंदुस्तान को फतेह करके मैं उनके ख्वाब जरूर पूरे करूंगा। नींद के साथ ख्वाब भी खत्म हो जाता है। हिंदुस्तान ने यूनान का क्या बिगाड़ा है अब्बा? कुछ नहीं। फिर आप उस सुनहरे मांग करना चाहते हैं? सल्तनत हासिल करने के लिए। बेवा औरतों की बददुआएं, मासूम बच्चों के आंसू और नौजवानों का लहू हासिल होगा। लड़ाई के असूलों में सब कुछ जायज है। तो फिर लड़ाई के असूलों को बनाने वाले जानवर हैं। हिंदुस्तानी तहजीब का तुम पर बेहद असर हुआ है। यूनानी तहजीब भी गैर मुल्क पर नाहक हमला करने की इजाजत नहीं देती। हमला होगा और कल ही हमारी फौजें हिंदुस्तान के लिए रवाना हो जाएंगी। चली जा रही है। तो क्या हुआ, भागो यहाँ से। आज चंद्रगुप्त से कह दो कि हमारे मगध नरेश के पास 6 लाख पैदल सेना है। क्यों है ना? हाँ, क्या कह दो। तीरों को झेल दो, मौजों से खेल दो, थोड़े से दिन है खुश।
ये सैनिक किस लिए रखे गए? जाओ और चंद्रगुप्त से कह दो महाराज के पास 1.5 लाख घुड़सवार है। 1.5 लाख रंगीले मोरे राजा तो दिल में समा जा, फिर आए ना ये समा, फिर आए ना ये साथ रंग रलियां मना रहे। कंजूस नंद के खजाने का नक्शा देख रहे हो ना चंद्रगुप्त? हाँ गुरुदेव,
ये खजाने का ही नक्शा नहीं बल्कि प्रजा की उन्नति और भारत के भविष्य का नक्शा है। इसका महत्व लाखों चाणक्य और लाखों चंद्रगुप्त से अधिक है। गरीब प्रजा के खून पसीने का यह भंडार प्रजा की सेवा में ही खर्च होगा। गुरुदेव, मेरे विचार तेरे शब्दों में गूंज। गुरुदेव, हम आपकी आज्ञा पालन की या नहीं? क्यों नहीं, बड़ी सच्चाई के साथ। तो फिर आप ही अपना बड़ा करें। समय आने दो पर्वतराज। समय कब आएगा? मगध पर हमारी विजय तो हो चुकी है। पूर्ण विजय नहीं हुई। क्या मतलब? भारतवर्ष के किसी भी कोशी हुकूमत के रहते हुए हम इस विजय को पूर्ण विजय नहीं मानते। गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, बात बदल रहे हैं। वचन के अनुसार मगध का उत्तरी भाग हमें मिलना चाहिए। दूंगा। भारत पर विदेशी चढ़ाई करने को तैयार बैठे हैं और तुम देश का बंटवारा करने चले हो। मैं आपका उपदेश नहीं, अपना अधिकार चाहता हूँ। मिलेगा। प्रतिज्ञा पत्र पढ़ा है? अच्छी तरह। एक बार और पढ़ लो। यदि सच्चाई के साथ युद्ध में पर्वतराज की सहायता मिली तो पूर्ण विजय के बाद उन्हें मगध का उत्तरी भाग दिया जाएगा। प्रतिज्ञा पत्र में पूर्ण विजय की बात कही गई है पर्वतराज। मुझे धोखा दिया गया है। गुरुदेव, आप यहां इस वक्त? हाँ, सम्राट चंद्रगुप्त से कोई भी किसी क्षण न्याय मांग सकता है। आप किस लिए आए हैं? मैं अपराधी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। राजगुरु को दंड? अपराधी की कोई जात नहीं होती। आपने क्या अपराध किया है? मैंने प्रजा का भाग्य और देश की उन्नति का साधन खजाने का वो नक्शा खो दिया है। तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त, व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो, वह प्रजा से बड़ा नहीं बन सकता। मैं ये जानना चाहता हूँ, सम्राट सिर्फ दंड दे सकते हैं, अपराधी को क्षमा नहीं कर सकते। राजा अपने अपराधी को क्षमा कर सकता है। मैं प्रजा का अपराधी हूँ, तुम्हें न्याय रक्षक की हैसियत से मुझे दंड देना होगा जो मृत्यु दंड से किसी भी हालत में कम न हो। मैं कल अपना फैसला दूंगा। आज का विश्वास नहीं कल का भरोसा क्या? अपराध साबित हो जाने पर दंड की घोषणा में देर नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, मैं अपराधी हूँ। अपराधी चाणक्य के प्राणों के मोह से चंद्रगुप्त के न्याय को निर्बल। ये कहते हुए शर्म आ रही। अपराधी गुरुदेव नहीं बल्कि मेरे पिता है। लीजिए। मलय केतु, तुमने राजभक्ति और देश प्रेम का बेजोड़ नमूना पेश किया है। पर्वतराज, तुमने राज्य और प्रजा के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे विश्वासघाती को घोड़े की पूंछ में जब तक जान ले घसीटा जाए। सम्राट, और ये काम भी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। देशभक्ति का ये इनाम? इनाम के लिए काम करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। अपने न्याय पर एक बार फिर ध्यान दीजिए सम्राट। न्याय के दो मुंह नहीं होते। क्षमा कीजिए सम्राट, आपने जिस बेरहम से मेरे बाप को सजा दी है उसी तरह। विश्वास रखो मलयकेतु, चंद्रगुप्त का न्याय स्वप्न में भी अटल रहेगा। देशद्रोही पर भूल कर भी दया करना। वाह वाह, तो तबीयत के रंग भरे जा रहे हैं, वो भी बदशकल तस्वीर में। इस तस्वीर से हजार गुना अच्छी है। ये ख्याली तस्वीर है या? मेरे दिल की हूबहू परछाई है। तुम्हें कोई इतराज है? हाँ, एक हिंदुस्तानी की बजाय इस यूनानी को अपने दिल में जगह दो। एंटीगोनस, मैं एक शहजादी और तुम हो एक जारज। हेलेन,
मैं ये तौहीन बार बार बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोड़ दो मेरी बाई। जिंदगी भर के लिए पकड़ ली है। मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। मैं भी माफ कर सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे बेहद चाहती। ये दूसरा सबूत है कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो। एंटीगोनस, मुझे पूरा यकीन कि गुरूर का पर्दा हटते ही तुम मुझे सीने से लगा लोगी। एक बार अपने लबों का जाम पिला दो, ताउम्र तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। हेलेन, आज तुम्हें मेरे हक में फैसला करना ही होगा। तुम मेरी हो। तुम्हारी ये जुलत, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। आज से ठीक सातवें दिन ये विवाह संपन्न होगा। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। सम्राट चंद्रगुप्त की जय। अलबेली हमने तो की अटकेली, क्यों गोरी गोरी सूरत घूंघट में छुपाए। जा तू से नहीं बोलूं। हाँ माँ, ये हमारी भाषा और संगीत भी जानती है। अच्छा, बड़ी प्यारी थी। छाया ने इसके रूप का ठीक बखानी किया था। उसने ही इसे मगध की महारानी बनाने की मुझे सौगंध दी।
वो त्याग की पवित्र मूर्ति है। हाँ बेटा, और हाँ मैं तुम दोनों का मुंह मीठा कराने आई हूँ। चंचल, बड़ी शर्मीली है, मुंह खोल बेटी। लो, तुम खाओ ये बेटी, मैं कहता हूं खा लो। हेलो, खाओ, चाणक्य कहता है खाओ। हेलो, खाओ खाओ। खाओ नहीं दिया जाएगा। मेरा गला सूख रहा है। क्यों, मिठाई का सूख रहा है? मिठाई में जहर है। किसने मिलाया जहर, बोलो। राज माता ने। ये झूठ, तूने जहर मिलाया, सच सच बता। नहीं, राज माता ने हेलन को मारने के लिए जहर मिलाया। राज माता ने बहुत बड़ा अपराध किया है चंद्रगुप्त। अरे राव, कौन हो?
कभी है अंधेरा कभी है उजाला, किस्मत का है खेल निराला। कभी है अंधेरा कभी है उजाला, किस्मत का है खेल निराला। फूलों के बदले कांटों की माला है, तूने ये क्या किया। इस लिबास में मक्कारी करने चले? मक्कारी के लिए इससे अच्छा लिबास और क्या हो सकता है? गुस्ताख। गुस्ताख वो है जो किसी दूसरे देश के एक हिस्से पर जबरन हुकूमत करना चाहता है। जिसकी कलाई में जोर है वही हुकूमत कर सकता है। सिर्फ थोड़े दिनों तक, वरना हिंदुस्तान की सरहद पर सिकंदर शाह के सपनों की खबर न बनती। खामोश। इस धमकी से डरकर, बल्कि अपनी मौत से डरकर, आप मुझे मारकर भारतवर्ष को नहीं मार सकते। ये भारत भूमि महापुरुषों और देशभक्तों से न कभी खाली रही है और न रहेगी। याद रखिए, आज इस देश की राजनीति का गुरु एक ऐसा पंडित है जो मुझ जैसे कई चंद्रगुप्त पैदा कर सकता है। तेरा काम तमाम करके तेरे उस मक्कार गुरु का भी फैसला करेंगे। काश तुम मेरे गुरु न होते। उड़ा दे इसकी गर्दन। ठहरो। अब्बा हुजूर, चंद्रगुप्त के साथ बहादुरों का सलूक होना चाहिए। उसने आपको अपना गुरु मानकर जिंदा छोड़ दिया। हम इसकी गलती दोहराना नहीं चाहते। देखते क्या हो, खत्म कर दो इसे। अपने जीते जी मैं ईनान की शान पर धब्बा न लगने दूंगी। मिर्ज़ा, ये कौन है बिना इजाजत यहाँ चलाया? ये कोई नहीं रोक सकता, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। राजा को फकीर, फकीर को राजा बना सकता हूँ। जमीन और आसमान को एक कर सकता हूँ। आखिर तुम आए कहाँ से? जहाँ एक दिन सबको जाना है। क्या पकते हो? मैं तुझे हिंदुस्तान का बादशाह बना सकता हूँ, तेरा मुकद्दर फिरा सकता हूँ, सेल्यूकस जिंदों की रूह गायब कर सकता हूँ और तेरे बाप दादों की रूह सामने खड़ी कर सकता हूँ, सामने खड़ी कर सकता हूँ, सामने खड़ी कर सकता हूँ। हाँ। और अगर नहीं खड़ी कर सका तो? लानत है ऐसे जादू पर जो सर चढ़ कर न बोले। देख हथेली पे सर रख कर देख।
जाल तुम जलाल तुम आई बला टाल तुम काटे जंजाल तुम हो सब संभाल तुम देख गुरु का कमाल तुम फूटेगा जब तेरा हंडा जोश पड़े दुश्मन का ठंडा तैयार हो जा और अब देख कि क्या होता है रुबुस की नारा बदलो Yeah.
मले मले की तू ये विजय हमारे लिए हार से भी बुरी साबित हुई गुरुदेव। महान कामों के लिए बड़े से बड़े बलिदान देने पड़ते हैं चंद्रगुप्त। यूं तो लोग मरने के लिए जिंदा रहते हैं लेकिन देशभाव होते हैं। लेकिन छाया को हम क्या जवाब देंगे? मलय केतु देश की आजादी के लिए अमर हो गया। आपकी आंखों में आंसू गुरुदेव? चिंगारी को आंसू समझने की भूल न करो चंद्र। शिष्य होकर गुरु गया। युग युग जो मेरे लाल युग युग जो मलयकेतु कहाँ है बेटा? चंद्र मैं पूछती हूँ मलयकेतु कहाँ है? देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गया माँ। मैं छाया को क्या जवाब दूंगी? ये खबर सुनकर उस बेचारी का क्या हाल होगा? माँ एक भाई तो क्या, अगर मेरे 100 भाई होते तो मैं उन्हें देश की आजादी पर कुर्बान होते देखकर फूली ना समाती। छाया छाया मैं तुझ जैसी वीर पुत्री को मगध की महारानी बनाऊंगी। असंभव, मगध की महारानी हेलन बनेगी। नहीं, छाया बनेगी। चाणक्य की जीभ पर पत्थर के शब्द जड़े होते हैं और मूरा के शब्द कमान से छूटे हुए तीर होते हैं। दो बांसों की आपसी रगड़ से पैदा होने वाली आग सारे जंगल को जलाकर भस्म कर देती है। ये शक्ति आजमाने का वक्त नहीं है राजमाता। चंद्रगुप्त की शादी हेलन से होगी। जिस हेलन की जात पात धर्म सब कुछ अलग है, उसे अपना बना लेना ही बड़प्पन है। कुछ भी हो, चंद्रगुप्त का ब्याह मेरी मर्जी से होगा। मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसका गुरु हूँ। मैंने उसको जन्म दिया है। मैंने उसे राज सिंहासन दिया है। गुरुदेव राज पाते ही आंखें बदल गई सम्राट। चाणक्य नहीं बदला, जैसे पहले था वैसा ही आज है। लेकिन अहंकार बढ़ गया है। चंद्रगुप्त को तुम अपने हाथ की कठपुतली समझते। आप चाणक्य को गलत समझ रही हैं। चंद्रगुप्त आपका ही बेटा नहीं बल्कि भारत का सम्राट भी है। तुम आज की सोच रही हो राजमाता, और मैं आने वाले उन हजारों वर्षों की सोच रहा हूं जबकि हिंदुस्तान और यूनान के झंडे एक साथ लहराएंगे। मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। हमने किया तुझे दिल नजराना।
हमारा तूने न जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। दूर हो मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे तस्वीर हो। जिस शख्स के माँ बाप का पता नहीं, वो एक बादशाह की बेटी से शादी का ख्वाब देखे। मोहब्बत की नजरों में बादशाह कुछ नहीं, वरना हैरान मुझे क्यों करती। खामोश, उड़ा दो इसकी गर्दन। ठहरो अब्बा हुजूर, एंटीगोना से बहादुर नौजवान है। यह सबूत है, हेलेन मुझसे मोहब्बत करती है। तो जाहिल है, यह बदहवास हो गया है अब्बा। अपना पालतू कुत्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो, पागल होने पर फौरन मार दिया जाता है। अब्बा, एंटीगोनस को एक यूनानी की हैसियत से माफ कर दीजिए। अच्छा, माफ किया, मगर एक शर्त पर। तुम हमारी हुकूमत पे कभी कदम न रखोगे। नहीं रखूंगा, मगर याद रखिए, जब भी कदम रखूंगा, हेलेन को हासिल करने की पूरी तैयारी के साथ। आलम बना, मगर से एक आदमी हुजूर से मिलने आया। कौन हो तुम? मैं मगध के स्वर्गवासी महाराज आनंद का प्रधानमंत्री कात्यायन। मां बदौलत तुमसे मिलकर बहुत खुश हुए। कहो क्या चाहते हो? मगध सम्राट चंद्रगुप्त पर चढ़ाई। चढ़ाई? मैं अपने मित्र सामंतों और राजाओं के साथ आपकी मदद करूंगा। तुम्हारी शर्तें क्या होंगी? जी, जीते हुए राज का आधा हिस्सा। शर्त मंजूर है, लेकिन तुम पर यकीन कैसे किया जाए? जी जी, मैं अपने धर्म की कसम खाता हूँ। गद्दारों का कोई धर्म नहीं होता। अब्बा हुजूर, जो अपने मतलब के लिए ईमान बेचना चाहता हो, गैर की मदद से अपने भाइयों का घर फूंकना चाहता हो, जो अपने मुल्क से गद्दारी करना चाहता हो, वो आपकी वफादारी क्या करेगा? हेलन, सौदा मंजूर है कात्यायन? बड़ा नापाक सौदा है अब्बा हुजूर। सिकंदर शाह भी हिंदुस्तानियों की फूट का फायदा न उठा सके। हेलन, किसी मुल्क के घरेलू झगड़ों में गैर मुल्क को दखल देने का क्या हक है अब्बा हुजूर? ये सियासत है जिसे तुम नहीं समझ सकती। जाओ यहाँ से। मेरी बेटी की बातों का बुरा न मानना कहती है। हम मगध पर चढ़ाई जरूर करेंगे, हम उनका सर कुचल देंगे। चाणक्य की बातों में नहीं काम में विश्वास करता है। आप क्या चाहते हैं गुरुदेव? खून। खून? हाँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी के लिए हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे गुरुदेव। जिस देश में तुम्हारे जैसे सपूत होंगे, वो देश क्यों न स्वतंत्र होगा। चंद्रगुप्त, षठम प्रतिशाठ्यम, जैसे को तैसा, चाणक्य नीति। क्या मतलब गुरुदेव?
कैल्युकस से पहले तुम उस पर आक्रमण कर दो तो भोर होते ही हमारी सेना कुछ कर दे। चंद्रगुप्त की फौज हमारी सरहद तक आ गई है। आने दो, हम उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं। मैंने कहा था ना आलमपना कि चंद्रगुप्त का गुरु चाणक्य बहुत चालाक है। वो तूफान के रुख पर दिया जलाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो तुम? जल्दी बताओ नहीं तो वार कर दूंगा। सम्राट, आखिर धोखा खा गए ना? आपके इस लिबास ने मेरी आंखों को धोखा दिया। मगर इस भेष में आप कहाँ जा रहे हैं? यूनानियों का भेद लेने। अकेले? हाँ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं मलकेतु, तुम यूनानियों के रीति रिवाज नहीं जानते, इसलिए हमारा भेद खुल जाने का डर है। मगर रात में वापस ना आऊं तो भोर होते ही दुश्मन पर चढ़ाई कर देना। घोषणा सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं। आज का न्याय मौर्य कुल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। अब मैं न्यायमूर्ति सम्राट चंद्रगुप्त से दरबार का कार्य प्रारंभ करने की प्रार्थना करता हूं। अपराधी को उपस्थित किया जाए। राजमाता होने के अभिमान में तुमने अंगारे को आंचल में लपेटना चाहा, लेकिन चंद्रगुप्त का इंसाफ अंधे की लाठी है, खून का रिश्ता उसे गूंगा नहीं बना सकता। जानती हो जहर देने के अपराध में तुम्हें कौन सा दंड दिया जाएगा? प्राण दंड। मां के खून से बेटे के न्याय का पवित्र इतिहास लिखा जाएगा, मैं इसे अपना गौरव समझती हूं। सैनिक, ले जाओ और उड़ा दो उनकी गर्दन। ठहरो, सम्राट का न्याय पक्षपात की ओर करवट ले रहा है। महाराज की आज्ञा से स्वयं मलय केतु ने अपने बाप के प्राण लिए थे। परिस्थिति वही है, राजमाता की गर्दन सम्राट की तलवार से कटे। मरने से पहले आपने मेरे शरीर को मर्यादा के कफन से लपेट दिया आचार्य। सम्राट, उठाओ तलवार और आगे बढ़ो। सम्राट, भावना को न्याय के पैरों तले कुचल दो। उठो, आगे बढ़ो। सम्राट, न्याय की अग्नि कुंड में ममता की आहुति चढ़ा दो। उठाओ तलवार, आगे बढ़ो। न्याय के कदम डगमगा रहे हैं सम्राट। सम्राट, तुम्हारी रगों में शत्रानी का खून दौड़ रहा है,
तुम्हें अपने माँ के दूध की सौगंध है। उठाओ तलवार और आगे बढ़ो। स्वीकार करता हूं, न्याय का पालन किया जाए सम्राट। न्याय के हाथ कांप रहे हैं सम्राट। हंगामे की जड़ मैं हूं। हिंदुस्तानी इंसाफ की तारीख यूनानी खून से लिखी जाएगी। भारत की होने वाली महारानी को यह बलिदान देने की जरूरत नहीं। दासी जीवित है। यह झूठ है। ये रहा इसका प्रमाण। तुमने साबित कर दिया है चंद्र कि भावना से कर्तव्य ऊंचा है। रुक जा, ये अधिकार मेरा है। महामंत्री तुम्हें भारत की महारानी बनाना चाहते हैं। आज उनकी ये इच्छा मैं पूरी किए देती हूं। Yeah.
आज तेरी मृत्यु भारत की जिंदगी बन गई छाया। महापाप है सम्राट। एंटीगोनस, आप जमीन के टुकड़े के लिए मेरी बहन का सुहाग उजाड़ना चाहते हैं। बहन? कौन है तेरी बहन? हेलेन। हेलेन तेरी बहन? हाँ, मैं उसी बदनसीब औरत का बेटा हूँ अब्बा, जिसे 25 साल पहले आपने ठुकरा दिया था। बेटा? अब्बा! एंटीगोनस, मेरा भाई। सम्राट, मैंने आपके एतबार और मेहमान नवाजी की पीठ पर छुरा मारा है। मुझ जैसे धोखेबाजों को जीने का कोई हक नहीं। ये लीजिए तलवार और भोग दीजिए मेरे सीने में। काश तुम मेरे गुरु, शरण में आए हुए शत्रु को क्षमा करना ही भारतीय संस्कृति। मेरी भविष्यवाणी है सम्राट, जिस तरह आज भारत और यूनान मिलकर एक हो गए, उसी तरह एक दिन संसार के सभी राष्ट्रों के झंडे भारत के झंडे के साथ लहराएंगे। जय भारत!